Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 6th standard English subject. Okay, 6th standard ka English subject start karenge. Lesson number 9, Peter of Her Limb. ठीक है, ये एक छोटी सी स्टोरी है. आज हम एक स्टोरी रीड करेंगे. ठीक है, चलो. ऑन द ब्राइट स्प्रिंग डे, ये एक स्प्रिंग डे की बात है. ठीक है, तब क्या होता है, एक छोटा सा लड़का, अ लिटिल बॉय हुज नेम इज सेड टू बी हैव बीन पीटर, एक छोटा सा लड़का जिसका नाम पीटर था, एंड हुज फादर वॉज एन शर्ल हैड फॉर हिम डिनर सम केक. देखो क्या है उस, देखो एक छोटा सा लड़का, उसका नाम क्या, पीटर. ठीक है, हुज फादर वॉज शर्ल, उसके पापा के बारे में बताया गया. फिर उस क्या बनाया, आज है ना डिनर में केक बनाया गया था. क्या बनाया गया था बच्चों, केक. हिज मदर हैड बेक देम बिकॉज शी न्यू हाउ मच पीटर लाइक देम. तो इसकी मम्मी ने, पीटर की मम्मी ने केक बनाया था. क्यों, क्योंकि उसकी मम्मी को पता था कि पीटर को कितना केक पसंद है. पीटर वॉज एन वेरी सेल्फलेस बॉय एंड वैन एवर ही हैड एनीथिंग ही लाइक ही फर्स्ट थॉट अवे ऑलवेज वॉज टू शेयर इट विथ समवन एल्स. देखो पीटर कैसा इंसान बच्चा था बच्चों, वो ऐसा लड़का था जो हमेशा दूसरों की ज़्यादा सोचता था, खुद की नहीं. सेल्फलेस यानी खुद की सोचने वाला नहीं, सबकी सोचता था. जब भी उसको कोई ऐसी चीज़ मिलती थी जो उसे बहुत पसंद है, तो वो हमेशा सोचता था कि मैं ये किसी के साथ शेयर करूँ. ठीक है, शेयर विथ समवन एल्स. एज सून एज ही हैड फिनिश हिज मील, जैसे ही उसने अपना खाना ख़त्म किया, ही जम्प अप फ्रॉम द टेबल एंड बिगेन हिज मदर टू लेट हिम गो टू सी अ पुअर ब्लाइंड मैन हु लिव नॉट फार अवे एंड टू लेट हिम कैरी विद हिम दोज केक विच हैड नॉट बीन ईटन. तो देखो जैसे ही उसने अपना खाना ख़त्म किया, फिर उसने क्या किया, वो टेबल पे से बाहर आया, जंप किया, अपने सीट पे से उठा, फिर उसने अपनी मम्मी से पूछने लगा कि क्या मम्मी मैं अपने फ्रेंड ब्लाइंड, एक उसका एक फ्रेंड है पुअर गरीब ब्लाइंड मैन, उसका फ्रेंड है वो घर के वहाँ पर ही रहता है, तो क्या मैं उधर जाऊँ और वो जो केक का टुकड़ा बचा है जो हमने नहीं खाया है वो उसके लिए लेके जाऊँ. उसने ऐसा पूछा अपनी मम्मी से. ठीक है, जैसे ही उसने अपना नाश्ता ख़त्म किया, उसने क्या किया, वो टेबल से बाहर आया खुद के, फिर क्या किया उसने अपनी मम्मी से पूछने लगा, क्या मैं अपने फ्रेंड को मिलने जाऊँ जो यहाँ पे पास में ही रहता है, ब्लाइंड मैन को, पुअर ब्लाइंड मैन को मिलने जाऊँ, तो वो और वो केक जो बचा है जो हमने नहीं खाया वो लेके जाऊँ क्या. मम्मी से वो परमिशन मांगने लगा. हिज मदर वॉज प्लेस्ड विद पीटर थॉटफुलनेस एंड द एट वन ब्रॉड ब्रेक फील्ड विद द केक. देखो उसने क्या किया, एक बास्केट में, उसकी मम्मी तो पहले खुश हो गई उसके बेटे की ये बात सुन के. ठीक है, कि मेरा बेटा कितना अच्छा है, कितने अच्छे विचार है उसके. फिर उसने क्या किया, उसकी मम्मी ने एक बास्केट को फील्ड किया केक से. ठीक है, फॉर हिम टू कैरी टू, वो उसको केक भर के दिया बास्केट में, वो लेके गया. लेकिन देखो वाइल पीटर फादर वॉज आस्किंग हिम प्रॉमिस नॉट टू स्टे आउट टू लेट, और पीटर के पापा ने उसको क्या बोला, प्रॉमिस मांगा कि ज़्यादा समय तक बाहर मत रहना. ठीक है, सो द बॉय वॉज ऑन हिज वे टू हिज फ्रेंड है. देखो वो लड़का घर से बाहर निकला, रास्ते पे, मतलब रास्ते से जा रहा था अपने फ्रेंड के घर में. वो लड़का बहुत खुश था. ठीक है, हैप्पी इन द थॉट ऑफ द प्रेज, वो एकदम खुश था. वो जा रहा था कि ब्लाइंड मैन के वहाँ जा रहा हो, तो खुश हो गया. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द केक एंड एट वन ब्रेक. देखो वो जैसे ही वो अपने फ्रेंड के वहाँ पहुँचा, वो ओल्ड मैन ने देखा तो वो खुश हो गया ऐसा. ठीक है, ही बिगेन टू टेल पीटर वन ऑफ द स्टोरी ऑफ विच ही वॉज फेमस. देखो वो ब्लाइंड मैन क्या करने लगा, पीटर को एक अच्छी सी कहानी सुनाने लगा. कहानी, वो ब्लाइंड मैन उसको हमेशा कहानी सुनाता था ना, तो वो उसे एक कहानी सुनाने लगा फेमस. ठीक है, एंड विच ही न्यू पीटर लव टू हियर, और उसको देखो उसने एक अच्छी सी कहानी चूज़ की जिसको पता था कि पीटर को ये बहुत अच्छा लगेगा. बट पीटर सडनली रिमेंबर्ड हिज
प्रॉमिस नॉट टू स्टे आउट लेट। बाद में अचानक क्या हुआ, पीटर को रियलाइज़ हुआ कि उसको ज़्यादा समय तक बाहर नहीं रहना है। एंड फाइनली बिकम सो अनईज एंड टो ही टोल्ड द ओल्ड मैन ही मस्ट नॉट वेट टू हियर द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। वो क्या बोल, देखो बाद में क्या हुआ, पीटर को अचानक याद आया कि उसने प्रॉमिस किया था, है ना, तो वो अचानक याद आया, फिर वो एकदम वो हो गया, बेचैन जैसा हो गया कि मुझे घर पे जाना है मैं, ठीक है। तो मैं वो क्या बोला ओल्ड मैन को कि मैं कहानी की एंडिंग नहीं सुन सकता क्योंकि मुझे वापस जाना है, ठीक है। फिर देखो क्या होता है, ब्लाइंड फिर वो जाता है अपने घर के तरफ जाने की तैयारी करता है, फिर निकलता है। फिर रास्ते में वो जाते जाते एक ब्यूटीफुल गार्डन देखता है जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं। तो उस क्या सोचता है कि ये सब फ्लावर्स मैं अपनी मम्मी के लिए कैरी करके लेके जाऊंगा। तो वो क्या करता है बच्चों, सारे फ्लावर्स थोड़े थोड़े तोड़ता है, ठीक है, और वो तोड़ के ऐसे बुके बनाता है। वो ब्लू कलर के फ्लावर प्लक करता है, येलो पिंक, और उसका एक अच्छा सा एक गुच्छा बनाता है, ठीक है। और वो बोलता है कि ये मैं अपनी मम्मी को दूंगा तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। सडनली ही स्टॉप एंड नाइदर सेंग नॉर स्माइल। अचानक उसको कुछ आवाज़ आई, महसूस हुआ, तो वो रुक गया एकदम देखने के लिए क्या है। उसकी स्माइल वाइज सब बंद हो गई थी क्योंकि वो शॉक में था। ही लुक एट द स्टिल दैट वाटर ट्रिकलिंग। वो एक इस जगह पे देखता है, वहाँ से क्या होता है बच्चों, पानी निकल रहा होता है, ठीक है, थ्रू द ग्रासेस। Where did it come from? तो वो देखता है ये कहाँ से पानी आ रहा है। Surely not from the canal, and there was nowhere else from it to come from. वो बोलता है ये canal में से तो नहीं आ रहा, या और कोई जगह तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। फिर वो वहाँ पे जाके देखता है, आगे जाके देखता है वहाँ पे क्या हुआ, किस तरह हुआ, इमेजिन करता है, ठीक है। वो वहाँ पे गया, वॉल्ट कोल्ड ही डू। फिर वो सोचता है कि यहाँ पे मैं कर क्या सकता हूँ। नाइट वॉज कमिंग ऑन, रात भी हो रही थी, और द रोड वॉज रोड पे कोई नहीं था, ठीक है। देर वॉज ओनली वहाँ पे क्या था बच्चों, खाली वो एक चेंज, देखो बच्चों, तो वो वहाँ पे कोई नहीं था, वो अकेला था वहाँ पे। वो सोचता है कि क्या करूँ, कैसे करूँ, किसकी एडवाइस लूँ, ठीक है। फिर उसको अपने पापा की प्रॉमिस याद आता है कि उसने, वो फटाफट वो क्या करता है, उसको रिकलेक्ट, उसको पूरी प्रॉमिस याद आता है कि मैंने अपने फादर को प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी घर पर आ जाऊँगा, ठीक है। फिर वो देखता है कि वहाँ से पानी ट्रिंकलिंग कर रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, ऐसा वो सोच में पड़ जाता है। फिर ही वॉज नेम नेवर वन ऑफ द ग्रेट, वहाँ पे देखता है, फिर वो साइड में देखता है, फिर वो अच्छे से वो वहाँ पे देखता है क्या कर सकते हैं। फिर वो क्या करता है, अपनी है ना छोटी सी फिंगर की उंगली वहाँ पे डालता है खड्डे में, ताकि वो पानी को रोक सके, पानी के बहाव को रोक सके, ठीक है। फिर देखो वो देखो ये पीटर इस तरह से पहले तो पानी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्या करता है बच्चों, वो फिंगर डालता है होल के अंदर, तो जिसके वजह से वो पानी का होल बंद हो जाए, ठीक है। फिर वो ऐसे टाइम पास होता है, ऐसे मतलब टाइम पास होते जाता है, मतलब आगे आगे टाइम बीतता जाता है। फिर देखो वो होल है ना इंक्रीज होते जाता है धीरे धीरे, क्या होता है बच्चों, बढ़ता जाता है। फिर वो देखो माइटली सेट बिहाइंड, फिर वो पूरी रात वो वहाँ पे ही होल को पकड़ के रहता है, ऐसे ऐसे ही टाइम बीतते जाता है। फिर देखो क्या होता है, व्हाट कुड ही डू, और वो क्या कर सकता था, नो स्टोन वुड फिट द होल, ऐसा कोई पत्थर नहीं था जो वो स्टोन वो होल को कंप्लीट कर सके, है ना। तो वो सोच में पड़ गया कि अभी मैं क्या करूँ इस पानी को रोकने के लिए, पानी का प्रेशर ऐसा है कि यहाँ पे कोई पत्थर भी फिट नहीं होगा ताकि जिससे वो पानी का फोर्स रुक सके। फिर वो वहाँ पे सोचता है, फिर उसकी आँख सब ट्रैवलर रोड पे देखने लगता है कि कोई आए, कोई उसकी मदद करे, ठीक है। तो वो एक हेल्प की मदद ढूंढने लगता है। फिर देखो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ते जाता है, पानी और गिरते जाता है, ट्रिंकलिंग होते जाता है वो मोमेंट पे, ठीक है। फिर देखो एक क्लियर डे लाइट आती है, फिर धीरे धीरे सवेरा होता है, फिर वहाँ पे एक आता है, ठीक है, रिलीफ हिम फॉग, देखो फॉर
वहाँ पे कोई आता है एक इंसान, ठीक है, फिर वो देखता है, फिर पूछता है क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे। तो देखो, द वाटर कैन नॉट कम डाउन नाउ, ही रिलीज शैल नॉट ड्र, फिर वो बताता है पूरा स्टोरी उससे, ठीक है बच्चों। फिर वो देखो, दैन द चाइल्ड डार्कनेस ऑफ द नाइट सराउंड हिम, देखो धीरे धीरे रात होती है, पूरा अंधेरा होता है, अचानक जंगल में कैसे अचानक आवाज़ आने लगता है वैसे आता है, तो छोटा बच्चा थोड़ा डर जाता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे टाइम बीतते जाता है, फिर वो उसको तो ऐसे देखो, उसको तो आदत नहीं थी ऐसी जगह पे रहने की, वो तो आराम से अपने कंफर्टेबल घर पे रहता था, बेड पे सोता था, लेकिन वो वहाँ पे थोड़ा से एकदम घबरा जैसा गया था कि इससे कैसे रहेगा, है ना। फिर बाद में देखो, वो बिना सोए वो वहाँ पे बैठा रहा, ठीक है। फिर पूरी रात हुई, पूरी रात वो वहाँ पे ही था, उसको दर्द भी हो रहा था क्योंकि उसने हाथ अपना होल में डाला हुआ था, पानी को रोकने की कोशिश कर रहा था पीटर, है ना, वो तो डेंजरस था ही उसके लिए, राइट। फिर वो किस तो भी वैसे और भी उम्मीद रख रहा था कि कोई ट्रैवलर वहाँ से पास हो और उसकी हेल्प के लिए आए। फिर देखो, वो क्या सोच रहा था कि वो देखो पानी में हाथ डाल के रखा था तो उसके दांत एकदम ठंडी जैसी हो जाती है ना, रात को तो पानी एकदम ठंडा होता है तो उसके दांत ट्विंकल करने लगे, वो एकदम कपकपाने नहीं लगा, ठीक है। फिर एक चीज़ अचानक क्या होता है, उसको याद आता है, वो प्रे करने लगा भगवान से कि कोई आए, कोई हेल्प करे उस छोटे बच्चे की, है ना। तो वो प्रे करने लगा, फिर प्रेयर करने लगा कि कोई आए। फिर जैसे ही आई विल स्टे टिल मॉर्निंग, वो कब तक रहता, मॉर्निंग तक वो वहीं था, नो लॉन्गर एंड लॉन्गर ग्रू द आवर, जैसे ही जैसे वो टाइम बीतता गया, टाइम मिनट सेकेंड और थोड़े थोड़े नॉइज़ आते रहे। फिर देखो एक स्ट्रेंज नॉइज़ आता है उसको, तो वो सोचता कोई तो आएगा, एक कोई किसी की तो नज़र उस पर गिरेगी, कोई तो उसकी हेल्प के लिए आएगा, है ना। तो ऐसा वो सोचता जाता है। फिर देखो अचानक क्या होता है, डे हैज़ कम एंड लॉस सम रोड कम द फर्स्ट ट्रैवलर, जैसे ही दिन होता है, सवेरा होता है तो क्या होता है, वहाँ पे एक ट्रैवलर, एक मुसाफिर वहाँ से गुजरता है, वो प्रीस्ट रहता है, मतलब चर्च का फादर रहता है, ठीक है। तो वो उसके पास जाता है, उसको पूछता है क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, ऐसा सब उसको पूछता है। तो पीटर उसको पूरी स्टोरी बताता है अच्छे से, ठीक है। फिर वो पीटर को बोलता है कि पीटर बहुत अच्छा लड़का है, उसने ऐसा सब किया, अगर वो ऐसा नहीं करता तो बाढ़ आने की संभावना हो जाती है ना बच्चों। तो ऐसे सब उसको बताते, फिर वो उसकी हेल्प करता है। फिर देखो, एंड दे डिड नॉट डिड द टाउन ऑफ हिरमिल, तो इसी वजह से हिरमिल का नाम रखा गया, इट्स सेल्फ हैज सेव, देखो बच्चे ने वो टाउन को बचाया था, किस तरह से वो बच्चे ने अपनी ड्यूटी निभाई और वो टाउन को बचाया, है ना, छोटे से बच्चे ने, तो इसलिए स्टोरी ये नाम रखा गया था, वो उसको हमेशा याद रखते हैं, ठीक है बच्चों। तो होप ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी कि इस तरह से छोटे से बच्चे ने पूरे गांव को डूबने से बचाया, पूरी रात वो वहाँ पे रहा अपनी बहादुरी से, है ना बच्चों। होप आपको ये स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।